हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइफ। तो कैसे हैं आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आशा कर रहे हैं आपकी अच्छी चल रही होगी। CHSL की एग्ज़ाम होने वाली है, फरवरी मार्च में होंगे एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी कैसे चल रही है ध्यान देंगे। CHSL के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। CHSL में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये जो हम लोग CGL कर रहे हैं CGL का जो हम 2022 का प्री कर रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड ही हैं, CHSL से रिलेटेड ही हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं अभी, वो भी हमारा क्या CHSL से रिलेटेड है। जो हमने टाइम एंड वर्क जो भी चैप्टर हमने किया ना, सारे होंगे, क्योंकि ना सिलेबस क्या है, सारा सेम ही है। CGL हो या CHSL हो, सारा का सिलेबस एक ही है, पढ़ना हमें वही है। ऐसा नहीं समझिए कि CGL के लिए अलग है, CHSL के लिए अलग है, ठीक है, CPO अलग हो गया, क्या ना, सारा का सिलेबस एक ही है, क्वेश्चन एक ही जैसे पूछे जाते हैं। बस क्या करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, क्वेश्चन का तरीका, लैंग्वेज सिर्फ चेंज करते हैं, अब ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है। कभी कभी तो सेम क्वेश्चन ही उठा के रख देते हैं, यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, डिजिट चेंज कर देंगे। इसके लिए टेंशन ना लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए मतलब CHSL के लिए अलग से बैच लाया जाएगा, अलग से आपको करवाया जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ना समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि CGL और CHSL ना सब एक ही हैं। क्योंकि किसको कौन कंडक्ट करा रहा है, उसको SSC कंडक्ट करती है। तो SSC का सिलेबस अगर देखेंगे CGL और CHSL का, तो दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग को भी CGL और CHSL में कोई डिफरेंस करना नहीं चाहिए, CGL हो या CHSL हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, जो हम कर रहे थे पिछले सेशन में, हमने कवर किया था मेंसुरेशन का, ठीक है, जो CGL 2022 के प्री में जो भी क्वेश्चन आए, हम लोग एक एक करके सबको कवर कर रहे हैं, उसी के आज ये सेकेंड है क्लास है, ठीक है। और भी इसमें देखेंगे हम लोग कि और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और CHSL में आने की संभावना भी किस तरह के हैं, तो ये हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हुए चले। इंग्लिश लिखा हुआ है, जिसे हिंदी समझ में नहीं आता है, मैं उसके लिए हिंदी भी ट्रांसलेट करते हुए चलूंगा, ओके। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इतना, अर्ध गोले का क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो बोला क्या गया है, त्रिज्या निकाले अर्ध गोले का, बस सिंपली है, देख रहे हैं ना। इस बार ना एग्जाम में मेंसुरेशन से ना बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर ही क्वेश्चन आ गए हैं। फॉर्मूला पता है तो हम लोग कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारा क्या बेसिक साइंस, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या बोला गया है, वॉल्यूम दिया गया है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम 2/3 πr³ होता है, आर तो निकालना है, तो r³ बराबर हमारा कितना दिया गया 19404 है। इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे, देखते हैं कितने बार में काटते हैं, इसको दो बार में काटते हैं, दो बार में काटेंगे कितना जगह, 9 × 18, 7 × 14, 0, 2, इसको काटते 22 बार में काटते हैं, 22 × 4 = 88, यहाँ हो गया कितना, 7 × 2 = 90, 22 × 4 = 88 और 1 हो गया, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना हो गया, तो आर बराबर कितना जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। देखेंगे ध्यान देंगे, ये कितना है, 441 कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 × 21, यहाँ से भी 21 आ गया, उसको उधर भेज देंगे, 21 का क्यूब हो गया, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 3 नंबर। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3³, 3 को क्यूब है, ठीक है, 3 को घन है, 3 को का बोला गया है इक्वल वॉल्यूम है, आर ज्वाइन टुगेदर एट द एंड टू एंड, मतलब कि 3 को घन है, ध्यान देंगे 3 को कोण है, 3 को क्यूब है, 3 क्यूब को एक साथ रखा जा रहा है इस तरह से सटा सटा करके। तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3। बोला जा रहा है जो क्यूब है, क्यूब को इस तरह से सटा सटा करके 3 क्यूब को रखा गया, 3 क्यूब का क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो ये क्यूब सटा सटा कर रख रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या रिजल्टेंट बन रहा है, परिणाम क्या बन रहा है हमारा, ये क्यूबॉइड बन रहा है, घनाभ बन रहा है। तो बोला जा रहा है इस घनाभ का क्या निकालने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया ये निकाल लेना है, तो निकल जाएगा, क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, 2 × lb + bh + lh, ये हमारा क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, बस इसको कर लेना, मतलब हमको लेंथ पता करना पड़ेगा, ब्रेथ पता करना पड़ेगा और हाइट पता करना पड़ेगा। अब ध्यान दे रहे हैं,
हमारा क्या दिया था, डायगोनल दिया गया है, ठीक है, विकर्ण दिया गया है, किसका, घन का, क्यूब का, क्यूब का कितना दिया गया है, 6√3, 6√3, तो घन का क्यूब कितना, अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, घन का क्यूब का डायगोनल 1√3 होता है, तो देखा जाए तो √3 से √3 कट जाएगा, तो मतलब a बराबर कितना आ गया, 6 वैल्यू आ गया, मतलब इसका भुजा कितना है, 6 का है, तो 6 के साथ करके देंगे तो हमारा लेंथ कितना जगह यहाँ से, यहाँ लेंथ देखा जाए तो हमारा 18 हो जाएगा, 6 6 6, ब्रेथ हमारा कितना, ब्रेथ वही रहेगा जो था हमारा, अब हाइट भी हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, 6 ही रहेगा, तो मतलब हमारा क्या हो गया, 2 × L हमारा कितना हो गया, 18, तो ये हमारा ब्रेथ हो गया 6, तो जोड़ देंगे 18 6 24, ठीक है, बी और एच जोड़ देंगे तो बी हमारा 6 है, एच भी हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा 12, सॉरी गुना करना है ना, गुना करेंगे ना, छत्तीस प्लस 36, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या जवाब, 36 36 72 72, और क्या हो जाएगा, 180 180 गुना 2 500, कहाँ गलती हो गया, यहाँ हो गया ना, एल एच था ना, ये भी हो जाएगा क्या हमारा, 108 हो जाएगा, ठीक है, अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36 36 और 8, ये 16 जोड़ देंगे, 36 16 52, मतलब कितना हो जाएगा, 252 को 200 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 504 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, बस यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, एल एच कर लेना था ना, तो 18 × 6 करेंगे, आगे देख रहे हैं 25 नंबर, क्या बोल रहा है कि तीन गो सर्कल है, तीन सर्कल का रेडियस दिया गया और टचिंग इच अदर, बोल रहा कि इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था, देखा था ना, तब क्या बोला था, तीन गो सर्कल हो, तीनों सर्कल का क्या बोला जा रहा है, तीन सर्कल हो, तीनों सर्कल के एक साथ सटा करके रखा जा रहा है, ध्यान देंगे, तीनों सर्कल को एक साथ सटा करके इस तरह से रखा जा रहा है, और तीनों सर्कल का बोला जा रहा है क्या, रेडियस सेम है, चार चार का ही है, ठीक है, चार चार का है, तो बोला जा रहा है क्या, इसमें से क्या रस्सी एक लटकाया गया, बांधा गया चारों तरफ से, रस्सी बांधेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रस्सी हुआ, ये तो बोला जा रहा है, ये इस रस्सी का लंबाई निकाल रहे, तो रस्सी की लंबाई बराबर हमारे क्या होता है, हमने देखा था 2r × 3 + π, ये होता है हमारा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेडियस कितना दिया गया, 4 4 वैल्यू देंगे, क्या 8 8 3 24 + 8 π, मतलब पाई का पी लिया गया है वैल्यू, इस तरह क्वेश्चन हमने किया भी था, ठीक है, ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, बोला जा रहा है किसी रेक्टेंगल में, किसी आयत में बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर की कमी किया जाए और उसकी चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि किया जाए, तो बोला जा रहा है कि जो हमारा रिजल्ट बन के आएगा, जो परिणाम होगा क्या होगा, इज ए स्क्वायर, और वो स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग हमारा बनेगा, और भी सेम एरिया का, मतलब जो हम लोग हटा देंगे जो उसका एरिया बराबर किसका एरिया हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा, तो बोला गया है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो मतलब जो हमारा मूल था पहले वाला जो रेक्टेंगल था आयत था उसका पेरीमीटर निकालने बोल रहे हैं, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या दिया गया, मान लेते हैं हमारा लेंथ एल, ब्रेथ हमारा क्या हो गया बी, ओके आगे चलते हैं, अब क्या बोला गया है, लेंथ में 4 की कमी करते हैं, तो लेंथ में 4 की कमी किया जाए, ठीक है, तो बोला जा रहा है और ब्रेथ में 2 की वृद्धि किया जाए, क्या जवाब, दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान देंगे, लेंथ और ये ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है, ये स्क्वायर बन जा रहा है, स्क्वायर बन जा रहा है ना, तो स्क्वायर का भुजा क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखा जाएगा तो क्या जाएगा, लेंथ बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, बी प्लस 6, ये हो गया हमारा, उसी ढंग से हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखा जाए दोनों को अगर एरिया लिया जाए तो एल इंटू बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा
इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया आयत का एरिया बराबर कितना हो जाए, किसका हो जाएगा, वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एरिया बराबर कर दिए क्योंकि ये दोनों भुजा ही वर्ग का है, साइड स्क्वायर होता है तो साइड इतना, साइड स्क्वायर कर दिए। ओके अब देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ से एल का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एल का वैल्यू पुट करेंगे तो एल हमारा कितना है, बी प्लस सिक्स, क्या जाएगा बी इंटू बी प्लस सिक्स, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा बी माइनस सॉरी प्लस सिक्स माइनस फोर, ये होगा, ये क्या हो जाएगा बी प्लस टू हो जाएगा। सो क्या ले सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सिक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बी प्लस टू हो जाएगा, बी प्लस टू को होल स्क्वायर है तो बी प्लस टू को होल स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे ये बी प्लस टू क्या जाएगा, बी प्लस टू को होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर प्लस क्या जाएगा टू बी हो जाएगा, फोर बी सॉरी होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, हो गया हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे देखा जाए तो क्या होगा हमारा, देखते हैं ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया फिर हमारा इसको इधर लेकर क्या जाएंगे तो टू बी हो जाएगा, तो टू बी बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा टू आ जाएगा, तो बी का वैल्यू टू आ गया, यहाँ रख देंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा। तो बोला क्या गया था पेरीमीटर निकालने, तो पेरीमीटर क्या था टू इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी करेंगे क्या आ जाएगा आठ दो दस, दस गुना दो करेंगे तो क्या आ जाएगा बीस, जो कि ऑप्शन नंबर तीन है। समझ में कि कैसे करना था, ठीक है ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का एरिया बोला जा रहा है निकालने के लिए, जिसका दिया गया है क्या त्रिज्या सात चार सेंटीमीटर और उसके बीच का एंगल दिया गया, एक कोण दिया गया 30 डिग्री का, बोला गया त्रिज्यखंड का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है ध्यान देंगे थीटा बटा 360 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है पाई आर स्क्वायर, चार का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है बस इसका करना, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करेंगे हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना बार में कट जाएगा ये बारह बार में कटेगा, बारह हो गया ये कटेगा ना, चार बार में चार तिहाई बारह, चार चौके सोलह कितना हो गया अठासी बटा इक्कीस, अट्ठासी बटा इक्कीस आ गया, तो देखेंगे क्या आ जाएगा लगभग क्या आएगा चार पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीन है, सोल्व करेंगे तो चार पॉइंट समथिंग आएगा ना, अट्ठासी बटा इक्कीस, अट्ठासी बटा इक्कीस मतलब इक्कीस जब चौरासी होता है मतलब चार पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीन था। आगे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको समझेंगे पढ़ेंगे पहले क्या बोल रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है मतलब अर्धगोला है जिसका त्रिज्या दिया गया है क्या 21 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है ना ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैज ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर सच दैट द रेशियो ऑफ द इट्स कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया इज 2:5, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इट्स बेस, क्या बोला जा रहा है कि हेमिस्फीयर है अर्धगोला है जिसका त्रिज्या दिया गया 21 है, उसको क्या बोलो पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है, जिसका बारे में क्या बोला जा रहा है ना उसका रेशियो क्या बोला जा रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या दिया गया 2:5, ठीक है मतलब क्या होता है टोटल क्या दिया गया है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल रेशियो दिया गया है क्या 2:5 है ना 5 दिया गया है। ओके ये दिया गया है तो ध्यान देते हैं इसको हटाते हैं, अब देखा जाए तो क्या दिया गया है ना ये दिया गया है तो बोला जा रहा है क्या रेडियस निकाले त्रिज्या निकाले किसका बेलन का, बेलन का त्रिज्या कैसे निकलेगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है हेमिस्फीयर से किसमें बदला जा रहा है सिलेंडर में, तो क्या बोला होता है ना जब पिघला करके किसी दूसरे आकार में बदलते हैं तो क्या होता है उसका बदलता कभी नहीं, उसका क्या नहीं बदलेगा उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, जो वॉल्यूम पहले था जो आयतन पहले था वही आयतन बाद में रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर था ना तो क्या जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा मतलब ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये हमारा क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहीं से बोला जा रहा है क्या कि इसका त्रिज्या निकाले निकालने बोल रहा है ना, तो ध्यान देंगे इसको सॉल्व करेंगे देखा जाए क्या जाएगा हमारा, ये पाई से पाई कट जाएगा, अब देखते हैं इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2/3 है
रेडियस दिया गया है कितना 21, 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे बराबर क्या, आर टू का वैल्यू नहीं पता हमें, एच का वैल्यू नहीं पता है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा ऊंचाई, तभी तो कर पाएंगे ना, ऊंचाई जब तक पता नहीं रहेगा तो त्रिज्या नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करेंगे ऊंचाई पता कर रहे होंगे, तो ऊंचाई कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे जो ये डाटा दिया गया है। क्या दिया गया था हमारा, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, यही था ना, ध्यान देंगे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइएगा, क्या होता है पाई टू पाई आर एच होता है, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टू पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ये होता है ओके। तब देखते हैं सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करेंगे टू पाई आर से टू पाई आर कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ एच बटा क्या हो जाएगा एच प्लस आर हो जाएगा, रेशियो में बदल रहे हैं हम इसको, क्या दिया गया था दो बटा पाँच, यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाँच एच या दो एच मतलब तीन एच हो जाएगा, तीन एच बराबर दो आर, आर एच बराबर क्या आ गया टू आर बटा तीन आ गया, टू आर बटा तीन वहाँ रख देंगे हमारा क्या निकल जाएगा वहाँ से आर निकल जाएगा, तो क्या हमारा आर वैल्यू कितना दिया गया है आर को तो आर ही रहने देते हैं ठीक है, तो आर को आर रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा टू आर बटा थ्री सॉरी आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा टू आर बटा थ्री हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा ये तीन से ये तीन कट गया, ये दो से ये दो कट गया ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आर क्यूब आ गया, आर क्यूब बराबर क्या है इक्कीस का क्यूब है, इक्कीस था ना इक्कीस छूट गया, मतलब आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा इक्कीस आ जाएगा जो कि यही निकालने बोला गया था ओके। समझ में आएंगे कैसे करना है, जब भी ध्यान देना है जब भी पिघला कर किसी और चीज में बदलना जा रहा है, रूप बदल रहा है उसका, क्यूब से क्यूबाइट सिलेंडर कुछ भी बनाया जा रहा है तो क्या उसका नहीं बदलेगा एक चीज हमेशा, उसका नहीं बदलेगा तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा, जो यहाँ था वो भी वॉल्यूम वहाँ ही रहेगा बदलेगा कभी नहीं ओके। आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि ए वायर इज इन द फ्रेम ऑफ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक वायर है जो वर्ग के रूप में है जिसका भुजा दिया गया है क्या 11 सेंटीमीटर, जिसको क्या बोला मोड़ के सर्कल बना दिया गया है, तो सर्कल बना दिया गया है तो बोला जा रहा है क्या उस सर्कल का त्रिज्या बताएं क्या होगा, यही बोला जा रहा है ना। अब ध्यान देंगे मानते ये वायर था हमारा स्क्वायर के रूप में समझेंगे, इस वायर का बना दिया सर्कल बना दिया गया है, तो सर्कल बना दिया गया है तो मतलब क्या होगा इसका पेरीमीटर बराबर इसका पेरीमीटर होगा ठीक है, तो क्या हो गया हमारा इसका पेरीमीटर कितना होता है हमारा इसका निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है पेरीमीटर से क्या होता है टू पाई आर होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा टू पाई आर इसका सर्कमफेरेंस बराबर क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा ग्यारह दिया गया है भुजा तो ग्यारह गुना चार कर देंगे हमारा क्या जाएगा इसका पेरीमीटर बराबर इसका पेरीमीटर हो गया समझ रहे, यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लेंगे हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ग्यारह अब चवालीस ये चवालीस से चवालीस कट गया मतलब आर बराबर कितना आ गया सात आ गया जो कि ऑप्शन नंबर चार है, बहुत इजी है। बस हमारा क्या था ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना था, अगर हमें पता है तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे, अगर नहीं पता रहेगा फॉर्मूला तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, बेसिक्स अगर मैंने क्लियर रहेंगे तो हम लोग आसानी से किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग कर पाएंगे ओके। आगे देख रहे हैं आगे क्या दिया गया है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है सेवन रूट थ्री मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है सात रूट तीन, तो बोला क्या जा रहा है कि उसका एरिया निकालें, एरिया क्या होता है ध्यान देंगे जब भी ऊंचाई पता हो ठीक है किसी भी सॉरी समबाहु त्रिभुज की जब ऊंचाई पता होता है तो हमारा क्या होता है एच स्क्वायर बाई रूट थ्री होता है, बस यही कर देंगे एच तो पता ही है कितना दिया गया है सेवन रूट थ्री, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा उनचास गुना तीन हो जाएगा बटा क्या कर देंगे रूट तीन, ये होगा ना इसका स्क्वायर करेंगे तो उनचास बटा रूट तीन काटेंगे तो क्या जाएगा रूट तीन बार में कट जाएगा मतलब उनचास रूट तीन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर तीन है ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री बोल रहा है, फिर वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है जिसका क्या दिया गया है त्रिज्या दिया गया है और एंगल दिया गया है, तो बस निकाल लेंगे इसको बहुत ईजी है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर करते हैं
वहीं से निकल जाएगा हमारा क्या एरिया निकल जाएगा, तो इसको खुद से कोशिश कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ज़्यादा करने की हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला गया क्या साइड दिया गया है रेशियो में, 1/3, 1/5, 1/6, मतलब त्रिभुज का तीनों भुजाओं का रेशियो दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है क्या कि पेरीमीटर्स का दिया गया क्या 147, पेरीमीटर दिया गया 147। तो बोला क्या गया है कि सबसे लंबी लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा का साइड निकाले, ध्यान देंगे हमारा क्या रेशियो दिया गया ये। तो हमारा रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो फ्रैक्शन को चेंज करेंगे पहले, तो चेंज करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, एलसीएम लेते हैं, यही होता है ना मेथड, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे, क्या जाएगा 30, मतलब क्या जाएगा 10, 6, 5, ये हो गया हमारा, इसको जोड़ देंगे, पेरीमीटर वही होता है, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 रेशियो बराबर 147, तो 1 रेशियो बराबर क्या जाएगा 7, तो 7 आ गया, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा ये है हमारा, तो 7 × 5 कर देंगे तो क्या जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। देखते हैं आगे, बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 5:4। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कोई एक आउटर और इनर सर्कमफेरेंस, मतलब दो वो सर्कल है, आउटर मतलब एक इनर हो गया, एक आउटर पाथ है, इसका आउटर का दिया गया है क्या 5, ये इनर का दिया गया है रेशियो 4, किस चीज का, सर्कमफेरेंस का। ठीक है, सर्कमफेरेंस समझ रहे हैं, मतलब 2πr ये हो गया, ये 2πr इसका वैल्यू हो गया, दिया गया है रेशियो में। तो बोला जा रहा है क्या कि इफ द पाथ इज 50 मीटर वाइड, 50 मीटर वाइड है इसका पाथ, ध्यान देंगे ये वाली चौड़ाई दिया गया कितना 50 मीटर का। तो बोला क्या जा रहा है कि निकाले क्या रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, इनर सर्किल का रेडियस निकालना है। तो जब भी ध्यान देंगे, जब भी होगा क्या इसका सर्कमफेरेंस भी इसी रेशियो में बढ़ता है, क्योंकि सॉरी जो रेडियस होता है, रेडियस हमारा क्या होगा ना इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, दोनों का अगर रेशियो देखेंगे इसका और इसका, इस चीज का त्रिज्या का सॉरी सर्कमफेरेंस का अगर रेशियो देखेंगे दोनों का, तो दोनों का सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा 2πr, और 2πr हो जाएगा हमारा, तो 2πr देखा जाए तो 2πr कट जाएगा, मतलब क्या होगा r, ध्यान देंगे ये रेशियो किसका दिया गया है, मतलब ये त्रिज्या का रेशियो दिया गया है, तो त्रिज्या का रेशियो बराबर क्या होगा हमारा सर्कमफेरेंस का रेशियो, तो सर्कमफेरेंस दिया गया है तो हम त्रिज्या इसको मान सकते हैं, त्रिज्या भी बोल सकते हैं, इसको रेडियस बोल सकते हैं, तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा 5:4 में दिया गया है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है ना इसका कितना ये चौड़ाई दिया गया है, मतलब क्या हो गया मानते हैं यहाँ से यहाँ 4 है, इसका ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, तो 5 है तो यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा 1:, तो 1: का वैल्यू कितना दिया गया है 50, तो किसका निकालना है 4:, का ये निकालना है ना, किसी अंदर वाले के निकालना है, 4:0 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा सिंपली, ये तो आपको समझाने के लिए इतना किया, तो डायरेक्ट देखते के साथ ही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है, तो बोला गया सरफेस एरिया निकाल ले, कुछ है इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको खुद से कीजिएगा कोशिश, वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ से क्या करेंगे आर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद क्या करेंगे सरफेस एरिया निकाल लेंगे, निकल जाएगा हमारा। ओके, कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दिया गया है, मतलब किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है क्या 8√2। तो बोला जा रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर, मतलब दूसरे स्क्वायर का, दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है, जिसका एरिया बोला जा रहा है क्या कि ट्रिपल है, 3 गुना है किसका फर्स्ट वाले के एरिया का, 3 गुना जो नया वाला स्क्वायर बन रहा है उसका है, तो पहले एरिया निकाल लेंगे। तो बोला क्या जा रहा है इसका फाइंड द डायगोनल बोल रहा है ना नए वाले का, तो डायगोनल बोलेगा तो पहले क्या हो जाएगा, देखा जाए पहले वाला स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया गया है 8√2, तो भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, भुजा 8, तो बोला गया इसके एरिया के 3 गुना है नया वाला, तो इसका एरिया करेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा 64, 64 का क्या करेंगे 3 गुना है नया वाला, तो नया वाला का एरिया निकल गया, एरिया निकल गया ना, तो हमें क्या निकलना है डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे भुजा पता करेंगे, तो भुजा हमारा क्या जाएगा अंडर रूट कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 8√3 आ गया, ये क्या हो गया भुजा आ गया नया वाला का, नया वाले स्क्वायर का, इसका दूसरा स्क्वायर का, दूसरा स्क्वायर का भुजा निकल गया, तो भुजा निकल गया तो क्या निकालना है हमारे विकर्ण निकालना, तो विकर्ण क्या होता है √2a होता है,
ए तो बराबर हमारा देखिए इतना दिया गया, तो इससे क्या कर देंगे रूट से गुना कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारा 8√6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिया गया है, क्या रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, रेडियस इतना दिया गया है, तो बोला गया है वॉल्यूम निकाल, तो वॉल्यूम निकल जाएगा ना, हेमिस्फीयर है, बस कोशिश कीजिएगा निकल जाएगा आसानी से, कुछ तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं इसमें बोल रहा है। आगे देख रहे हैं बोला डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो ये भी सेमी क्वेश्चन इसी टाइप का है, हटाते हैं। आगे बोल रहे हैं क्या बोल रहा है, स्टील इज यूज टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बॉल, एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनाया जा रहा है स्टील से, ठीक है, बॉल मतलब कटोरा, कटोरा हमारा ये होता है ना, हमारा कटोरा हो गया, ठीक है, जिसका थिकनेस दिया गया क्या कि 0.37 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो चौड़ाई है मोटाई इसका जो है कितना दिया गया 0.37 सेंटीमीटर, और द बॉल इनर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, अंदर का रेडियस जो दिया गया अंदर से, यहाँ से हम मानते हैं कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर का, तो बोला गया फाइंड द वॉल्यूम, सॉरी फाइंड द वॉल्स आउटर कर्व सरफेस एरिया, मतलब बाहर वाला के बोला जा रहा है निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया, तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे 2πr² होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखा जाए तो कितना जाएगा 2π का वैल्यू बोला गया 22/7 लेना है, आर हमारा कितना हो जाएगा, आर हमारा क्या 6 यहाँ है 0.37 और बढ़ जाएगा, जोड़ देंगे ना तो बाहर वाला निकल जाएगा, तो 0.37 जोड़ देंगे क्या जाएगा 6.37, इसका स्क्वायर कर देंगे 6.37, बस यही हो जाएगा क्या हमारा, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, सोल्व करते हैं देखा जाए कितना बार कट जाएगा ये 0.91, अब इसको गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या जाएगा देखते हैं, सबका यूनिट प्लेस अलग है, देखा जाए ये तो पूरा ही है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में दिया गया है ना, पॉइंट में है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, अब ये दोनों हम चेक करेंगे, ये दोनों में है आखिर कौन, ये दोनों देखा जाएगा यूनिट प्लेस दोनों का डिफरेंट है, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, तो यूनिट प्लेस निकाल लेंगे क्या जगह 2 4 4 यहाँ, तो यहाँ गुना कर देंगे 7 से 7 4 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। आगे देख रहे हैं इस सेम क्वेश्चन आगे अभी देखे थे ना, जब हाइट दिया रहेगा तो क्या होता है हमारा एरिया उसका h² / √3 होता है, बस वो फॉर्मूले ले लेंगे। आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया है तो देन द रेडियस, ये भी इजी क्वेश्चन है निकल जाएगा आसानी से, देख रहे होंगे ना बहुत इजी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, ये सब क्या है हमारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, CGL 2022 के प्री के ही सारे क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद से कोई सेट नहीं किया है, देख रहे हैं इस पेपर का ही मैंने उठाया है जो आंसर किए हैं ना, सारा उसी को उठा करके सीधे सीधे क्या करके सॉल्व करवा रहे हैं। ओके ये भी देखेंगे तो ये भी आसानी है ना, पेरीमीटर दिया गया है उसका एरिया निकालना है, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद क्या हो जाएगा हमारा उसका एरिया निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 4a = क्या कर देंगे ना, तो a का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 31 आ जाएगा, 31 आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 31 का स्क्वायर क्या आएगा 961 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये होगा, ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं इसमें। आगे देख रहे हैं क्या बोला है, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, इस तरह क्वेश्चन पिछले क्लास में भी किए थे जब हम लोग कर रहे थे ना मेंसुरेशन का डिस्कस, यहाँ भी देखे थे ना जब टू सर्कल का दिया गया इतना और इतना दिया गया, तो निकालने क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रेडियस, मतलब दोनों के त्रिज्या के बीच के अंतर बोला जा रहा है, देखेंगे ध्यान देंगे, यहाँ से निकालेंगे आर का वैल्यू, यहाँ से भी निकालेंगे आर का वैल्यू, वहाँ से फिर माइनस कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 2πr = क्या आ जाएगा 308 है, काटेंगे कितना जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 49 आ गया, यहाँ से 7 से गुना, फिर यहाँ क्या दिया गया 2πr = क्या दिया गया 440 है, तो 10 बार में कट गया, ये क्या आएगा आर का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया, घटा देंगे 49 में से 70 जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया 1 है, ज़्यादातर तो कुछ था ही नहीं इसमें, देख रहे होंगे मेंसुरेशन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए, बहुत ही इजी इस तरह क्वेश्चन ना आज तक देखा ही नहीं मैं, समझिए तो।
बहुत ईजी, हर शिफ्ट में ये हर शिफ्ट का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे, बस डिजिट चेंज कर दे रहा है। ओके तो यहाँ भी देखेंगे ना क्या बोल रहा है ना, ये कॉपर स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया गया 18 मीटर, उसके ऊपर सिलेंडर बना दिया गया वायर, वायर में सिलेंडर जिसका लेंथ 12 मीटर है, तो रेडियस बोला जा रहा है निकाल दे। फिर वही बोला कॉपर स्फेयर से गोला से क्या हमें बदल दे रहा है, उसको सिलेंडर में बदल दे रहा है, मतलब बेलन में बदल दे रहा है। जब बेलन में बदल दे रहा है तो क्या उसका नहीं चेंज होगा, उसका वॉल्यूम, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम बराबर कर देंगे, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, वहाँ सुनवा कर त्रिज्या निकाल लेंगे, उसे इसकी जगह निकल जाएगा, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली व्हाइल हाइट इज रिड्यूस बाई 30%। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी क्यूबॉइड में मतलब घनाभ में उसकी लंबाई और चौड़ाई 20% और 25% बढ़ाया जाता है, क्रमशः 20% और 25% बढ़ाया जाता है, मतलब लेंथ में 20% ब्रेथ में 25% और उसकी ऊंचाई में बोला जा रहा है 30% घटाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है उसके पूरे वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, मतलब उसके आयतन में। ठीक है, तो आयतन में हमारा क्या होता है अगर देखा जाए तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हमारा है क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड में क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, तीन होता है ना। अब ध्यान देंगे तीनों बढ़ेगा, यहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, मतलब तीनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब इस तरह का प्रभाव पड़े ना, तीन है ना, तो तीनों का निकालना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट से लेना पड़ेगा। तो लेंथ हमारा कितना है, ये 20% बढ़ रहा है, ठीक है, ये 25% बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा कितना बढ़ रहा है 30% बढ़ रहा है। ओके तो ध्यान देंगे तो जब भी होना इस तरह के ना, तो तीन वो आ जाए तो क्या करेंगे ना, तो हम इसको दो तरीका से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक हम लोग ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ से सक्सेसिव लोग निकाल सकते हैं, दूसरा क्या किससे कर सकते हैं, एक हम दूसरा करेंगे जब 100 मान करके करेंगे। ध्यान देंगे अगर हम लोग उससे देखा जाए किससे, ए बी फॉर्मूला, तो ए बी फॉर्मूला क्या करेंगे ना, एक बार ये दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर ये दोनों जो आएगा फिर उसको इससे कंपेयर करेंगे, कहने का मतलब अगर ये दोनों में देखा जाए तो ए बी फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है ए बी बटा 100 होता है, यही होता है चेंज इन परसेंटेज, ये हमारा होगा परसेंट में बदलाव जो भी होगा प्रतिशत में हमारा यही होगा। ठीक है, तो हमारा क्या देंगे दिया गया 20 और 25 करेंगे क्या जाएगा 45 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे प्लस क्या जाएगा, दोनों गुना कर देंगे, गुना कर रहे हैं ना, ए बी कितना होगा 25 दूनी 50, 50 पर 2 जीरो, सॉरी 50 पर 1 जीरो होगा ना, 50 और 1 जीरो मतलब 2 जीरो कट कट हो जाएगा, क्या बचेगा 5, मतलब कितना हो गया ये 50 हो गया, 50 और 30 मिलेंगे क्योंकि दोनों बढ़ रहा था, दोनों प्लस वाला था, ये क्या कर रहा है ये घट रहा है, ये हमारा घट रहा था ना, ये हमारा घट रहा है, और माइनस लेंगे प्लस लिया गया था, और माइनस लेंगे क्या 30, फिर क्या करेंगे प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाता है ना, माइनस इंटू क्या जाएगा 50 गुना 30 हो जाएगा, बड़ा क्या जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 20 ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया था 15 20 था, ये 15 और घट गया तो क्या आ जाएगा 5 आ गया, 5% हमारा क्या जाएगा पॉजिटिव में आए, तो इसका मतलब क्या होगा 5% का वृद्धि हुआ। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास है, 100 मान के क्या करेंगे 100 इंटू क्या करते हैं जितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20% तक, 120 बटा 100 गुना क्या हो जाएगा, फिर 25% बढ़ा तक 125 बटा 100, फिर क्या बोला कि 30% का कमी हो गया तो 70 बटा 100, अब माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे, जितना भी बढ़ेगा जितना आया ही है बन के, ठीक है, मूल वाले से जो ओरिजिनल था हमारा उससे घटा देंगे, क्योंकि ओरिजिनल को हमने 100 माना, जो ओरिजिनल क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम हमने कितना माना 100 माना, 100 में क्या बोला 20 बढ़ा 25 बढ़ा ये 70 घट गया 30 घटा गया, तो मतलब 70 आ गया, कितना था मूल था हमारा 100, यहाँ भी सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 5% आएगा, देखा जाए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया क्या, ये 2 जीरो खत्म हो गया, 25 बार में काटेंगे 25 चक्के 4 से काटेंगे ये 3 बार में कट गया, क्या पंक्तियाई 15 75 से 105 माइनस 100 आ गया 5% पॉजिटिव में आया, तो मतलब वृद्धि हुआ, निगेटिव आता तो क्या आता हमारा डिक्रीज करता। ओके समझना इस चीज़ को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 मीटर, तो बोला गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर बोला जा रहा है, हाइट दिया गया है, ये हाइट है ना, अल्टीट्यूड हमारा क्या होता है हाइट होता है, ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई किसका दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया गया है, तो बोला जा रहा है उसका क्या निकालें, पेरीमीटर निकालें, परिमाप निकालें, तो
परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप बराबर हमारा क्या होता है? 3a होता है। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू कितना आ जाएगा देखा देंगे। क्या होता है हमारा हाइट ऑफ क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3a बाई 2 होता है, यही होता है ना, रूट 3a बाई 2 होता है। इतना बराबर कितना दिया गया है? 6√3 दिया गया है, तो रूट से 3 कट गया तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ गया, तो 12 तिया क्या कर देंगे 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे देख रहे हैं, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ कोन इज 30 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है किसका? स्लैंट हाइट का, सॉरी कोन का, कोन का बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, ध्यान देंगे। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, आर तो समझ रहे हैं रेडियस, एल हमारा क्या होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, जैसे ये होता है ना हमारा कोन, ये होता है ना, ध्यान देंगे कोन ये होगा, यहां से लगा कर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यही हमारा क्या होता है एल होता है, तिरछी ऊंचाई जो यहां से यहां होता है यही होता है हमारा, ओके। तो बोल रहा है वही है, वही हमारा दिया गया स्लैंट हाइट 30, रेडियस दिया कितना 14, यहाँ से वैल्यू निकालना क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ये होता है हमारा फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, एल हमारा कितना दिया गया है सॉरी आर दिया गया 14 और एल कितना दिया गया है 30, 14 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, यहाँ से सॉल्व कर देंगे कितना बार में, दो बार में कट गया 44 दुनी 88, अगर देखा जाए ना यूनिट ऐसे भी तो यूनिट प्रेस सबका डिफरेंट है, तो यूनिट प्रेस भी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दुनी 4, 4×16 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और गुना भी करेंगे तो हमारा वही 88 हो गया, ये 88 और 22 से गुना करेंगे तो 22 से 17 हो गया, फिर 176 और 17 जोड़ देंगे, 176 17 जोड़ देंगे कितना जाएगा 193 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोलो ये भी सेम क्वेश्चन इसी टाइप के देखे ही भी है, बहुत सारा देख रहे हैं इसी टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन है, तो करेंगे ही नहीं। ये भी बोल रहा है रेडियस बहुत दिया गया है, वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं साइड दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 8, तो बोला गया एरिया निकाले, तो एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, बस वहां से कर लेंगे। अभी देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन, देखे थे ना क्वेश्चन को, देखिएगा पढ़िएगा एक बार बढ़िया से, अभी देखे थे ना, क्या हम लोग देखे थे, क्या बोल रहा है कि तीनों सर्कल है, तीनों सर्कल क्या बोल रहा है, एक साइड टच करके रखा गया है इस तरह से, अब इसमें रस्सी बांध दिया गया है इस तरह से, टाइट रस्सी है, बोला गया रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई क्या होता है, अभी देखे थे 2r इंटू क्या होता है 3 प्लस 5, बस इसी पर फॉर्मूला रख देंगे ना, क्या जाएगा 7 × 7 = 14 = 42 प्लस क्या 14p हो जाएगा, आई मतलब पी। आगे देखते हैं 7 नंबर, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है ना राइट सर्कुलर कोन का, ऑफ विथ हाइट 8 मीटर एंड साइलेंट हाइट 10 मीटर दिया गया। अब क्या बोला जा रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कोन का, शंकु का, तो क्या होता है हमारा पाई आर एल होता है, तो आर हमारा कितना हो क्या हो गया रेडियस, एल हमारा क्या हो गया साइलेंट हाइट तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई दिया गया हमारा साइलेंट हाइट 10 दिया गया है, हमारा हाइट दिया गया है 8 पर हमारा रेडियस नहीं दिया है, रेडियस निकालेंगे तो ध्यान देंगे हमारा क्या होता है, ये इस तरह का कोन होता है ना, इसी से समझेंगे ये कोन हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये रेडियस होता है हमारा, ये हमारा हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमारा क्या है एल है, यहां से निकाल लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, ये हमारा क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर हमारा क्या होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही होता है ना, यही फॉर्मूला लगा देंगे तो देखा जाएगा हमारा क्या देगा, एल दिया गया 10 या दिया गया 8, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 8 10 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ओके। तो रेडियस निकल गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे क्या जाएगा पाई आर हमारा कितना है 6 है, एल कितना दिया गया है हमारा 10 दिया गया है, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा क्या जाएगा 60 पाई आ जाएगा,
पाई में आंसर बोल रहा है, 60 पाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि आयरन रॉड है जिसका डायमीटर दिया गया 4 सेंटीमीटर और उसका लेंथ दिया गया 12 सेंटीमीटर, उसको बोला जा रहा है कि वायर बना दिया गया लंबी वायर जिसका लेंथ 12 मीटर है, तो बोला गया कि थिकनेस निकालना किसका, वायर का। ठीक है, ध्यान देंगे, रॉड है ना, रॉड को किस में बदल दिया गया है, वायर में। तो रॉड भी हमारा क्या था, रॉड इस तरह का होता है हमारा, मानते हैं थोड़ा इस तरह का रॉड हो गया। ठीक है, अब वायर भी हमारा क्या होगा, इसी तरह का होगा, पतला रहेगा। तो दोनों क्या हमारा सिलेंडर है, दोनों किस तरह का दिख रहा है, बेलन का आकार का है, तो क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, हमारा क्या जगह है वहां से निकल जाएगा। क्या निकालना है इसका थिकनेस, तो थिकनेस मान लीजिए हमारा वायर है, वायर का थिकनेस यही होगा ना, यहां से यहां ये बोला जा रहा है, मतलब डायमीटर निकाल लेना है इसका, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए रेडियस पता करना पड़ेगा, तो निकालेंगे ये क्या है हमारा, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कितना दिया गया है 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया गया है 4, तो त्रिज्या कितना जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, एच हमारा कितना जाएगा 12, बराबर क्या होगा, आगे देख रहे हैं। फिर उसी तरह से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ये हमारा रॉड है, ये हमारा क्या वायर है, दोनों किस रूप में है, दोनों सिलेंडर के रूप में रहता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा लेंथ जो होगा वही हमारा क्या होगा, एच के बराबर होता है, तो लेंथ कितना आ गया 12 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में, आंसर भी क्या बोल रहा है सेंटीमीटर में दिया गया, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, सोल्व करेंगे, हमारा यहाँ से क्या जाएगा आर आएगा, जो आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये पाई से ही पाई कट जाएगा, ठीक है, ये 12 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, तो इसको इधर लेकर क्या जाएंगे, क्या जाएगा आर बराबर क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/100, मतलब क्या 0.2 आ गया रेडियस आ गया, तो डायमीटर हमारा क्या जाएगा 0.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये होगा ना, क्योंकि बोला थिकनेस, बोला जाए थिकनेस हमारा निकालना है क्या, ये होगा डायमीटर के बराबर है। ठीक है, आगे देख रहे हैं, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी भी देखे थे, वॉल्यूम दिया गया है, सरफेस एरिया निकाल लेना है, बहुत ही है इजी, कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको क्या बोल रहा है ना कि निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब शेडेड पोर्शन इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड दिया गया है 6 यूनिट का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो और इसमें एक जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर का, तो निकालना है क्या है, जो सर्कल है हमारा जो मिड पॉइंट पे बना हुआ है, इस भुजा का मिड पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दे रहे, ये हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या होगा, ये दो बराबर भागों में बट जाएगा एरिया, हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका निकालने क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में से इसको माइनस कर देंगे ये वाले पार्ट को, ठीक है, शेडेड रीजन निकल जाएगा, बहुत ईजी है, अगर इसका निकालेंगे तो पूरे ट्रायंगल का हाफ कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, पूरे ट्रायंगल का क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर होगा, साइड दिया गया 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा 9, मतलब क्या आ गया 9√3/2 हो गया। अब इसका निकालेंगे, ये हमारा क्या है क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है हमारा, ये 90 तो ये भी 90, ये क्वाड्रेंट बनेगा, तो क्वाड्रेंट के एरिया क्या होता है थीटा बटा, मतलब ये क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 πr² होता है, 1/4 πr² क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे क्या 1/4 πr² आर का वैल्यू 1 दिया गया, रेडियस बोला गया 1 यूनिट का है, तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर 1, इसको सोल्व करेंगे, देखा जाए ये 2 बार में कट जाएगा 2, ये 11, ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर 1 इसमें कॉमन लिया गया, तो कॉमन क्या 1/2 कॉमन आएगा सिर्फ, तो क्या बच जाएगा 9√3 माइनस क्या हो जाएगा 11/7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है क्यूब का, जिसका वॉल्यूम दिया गया है कितना 3/4 दिया गया वॉल्यूम, तो भुजा कितना हो जाएगा 7, तो 7 भुजा हो जाएगा, इसे क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 a² होता है, तो a का स्क्वायर करने में 7 का स्क्वायर
49 गुना 6 करेंगे तो कितना जाएगा 294 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। देख ही रहे हैं काफी कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, उस ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर समझ रहे, खोखला गोला है जिसका आउटर रेडियस, बाहरी वाली रेडियस और इनर रेडियस दिया गया है, मतलब बाहरी वाली त्रिज्या, आंतरिक वाली त्रिज्या 6 और 3 दिया गया है। तो बोला गया कि उसका वॉल्यूम निकालें, इसका होलोस्फेयर का खोखला हमारा क्या गोला है तो इसका क्या वॉल्यूम होता है, 4/3 π r³ - r³, ये बड़ा वाला r, ये छोटा वाला r। ओके, अब देखते हैं क्या हमारा है, 4/3 π को पाई रहने दिया है, ठीक है, r हमारा बड़ा वाला 6 है, 6 का क्यूब करेंगे क्या जाएगा 216, माइनस करेंगे क्या, r हमारा कितना है 3 है, 3 का क्यूब करेंगे क्या 27, घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या जाएगा 4/3 π को p लिख दिया तो p लिख देते हैं, ठीक है, घटाएंगे इसको, घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 216 है, 216 घटाएंगे क्या 27, कितना घट जाएगा हमारा 9, मतलब क्या जाएगा 193 हो जाएगा, सॉरी सॉरी होगा, कटाएंगे उसको, देखते हैं काटते हैं, ये तीन बार में कटेगा 6 3 63 × 4 करेंगे क्या जाएगा 6 6 24 25, मतलब क्या 25 2 π cm³ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा किसी तरह का, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल दिया गया है विद सेंटर ओ 6 सेंटीमीटर और उसका सेंट्रल एंगल दिया गया कितना 40 डिग्री का, तो बोला क्या एरिया ऑफ सेक्टर निकाले, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले, निकल जाएगा ना, त्रिज्या दिया गया 6, इसको कर लेंगे खुद से, काफी इजी है, थीटा बटा 360 π r² करेंगे निकल जाएगा हमारा। आगे देख रहे हैं, अभी फिर आगे ये सेम क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस दिया गया है, बोला जा रहा है अंतर निकालें उसके त्रिज्या का, परिधि दिया गया है, त्रिज्या का अंतर निकालें, निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द क्यूब कितना बोल रहा है 2.8 सेंटीमीटर लेंथ दिया गया क्यूब का। ओके, आगे बोल रहा है, इससे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम क्यूब, मतलब क्यूब से एक सबसे बड़ी गोला को काट के बाहर निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो भी कटेगा, ध्यान देंगे जो भी गोला कटेगा तो क्या कटेगा, किस तरह से कटेगा, इसे मान लेते हैं हमारा क्या फेस है सामने का क्यूब का घन का, उसे गोला काटा जा रहा है, तो मतलब उसी के आकार का, मतलब उसी इसी के बराबर काटा जाएगा, यहाँ से पूरा सबसे बड़ा होगा, ये भी टच करेगा यहाँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो इसका भुजा होगा क्यूब का घन का वो क्या होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा, इस स्फीयर का जो गोला है तो स्फीयर का डायमीटर के बराबर होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा भुजा का, 2.8 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4, त्रिज्या निकल गया ना, त्रिज्या पता चल गया, तब क्या निकालना था उसका एरिया, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या जाएगा 4/3 क्या जाएगा पाई आर क्यूब, आर कितना है 1.4 × 1.4 × 1.4, सो काटेंगे कितना बार में कटेगा 0.2 बार में कट जाएगा, सो सब गुना कर देंगे, गुना कर देंगे अब तो कोई कटेगा ही नहीं, क्या जाएगा यार 4 × 22 होगा, सो गुना कर देंगे क्या जाएगा 196, 14 है ना, 14 × 14 196, तो 96 दुगुना 2 करेंगे तो क्या जाएगा 392 बटा क्या हो जाएगा 3 × 1000, क्योंकि पॉइंट हमने नीचे ले लिया, अब गुना करते हैं, गुना कर देंगे 4 से गुना कर देंगे क्या जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 3 हो गया 4 × 3 = 12 × 3 = 15 हो जाएगा, गुना 22/3000, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, गुना कर देंगे तो 22 × 17 22 × 32 = 132 और 17 × 149 = 14 हो गया, हाँ
ठीक है, 114 हो गया, मतलब 14 बच गया, 22 बचे, 2 + 3 110 और 14 124, 12 हो गया, 22 12 34 बटा क्या हो जाएगा 3000, 300 भागा दे देंगे तो कितने हमारे पास जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 इधर चला गया, क्या जाएगा 3 × 4 = 12, 2 इधर बच गया तो 9 हो गया, लगभग क्या आएगा 9, इधर 2 बच गया 26, मतलब 8, 3 पॉइंट दे देंगे तो लगभग कितना जाएगा, इतना जाएगा तो 11.498, तो जो किया जाएगा क्या लगभग हमारा क्या जाएगा 11.50 के बराबर है, इसको अगर इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या देगा 11.50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉनिकल वेसल दिया गया है जो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, कॉनिकल मतलब एक कौन किस शेप का है, ठीक है, जो आयरन का बना हुआ है जिसको बोला जा रहा है रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और बोला जाएगा वेट निकालना है, इसका वजन निकालना है आयरन का, जो लोहा का वजन निकालना है कि ए मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब का दिया गया है 15 ग्राम, बस वेट निकाले तो वेट हमारा कितना हो जाएगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा उसी के बराबर हम लोग निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, क्या है वेसल कॉनिकल है तो कौन का हमारा क्या था 1/3, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है पाई, आर हमारा कितना दिया गया है 7 स्क्वायर है इंटू एच हमारा कितना जाएगा 15, ये हमारा क्या निकल गया वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम का निकाल क्या कर देंगे गुना कर देंगे किससे एक सेंटीमीटर क्यूब से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा वजन निकल जाएगा, ये 15 दिया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 15 ग्राम, बस ये हो गया, इसको सोल्व कर देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 7 से 7 तो काटेंगे कितना बार में कट गया ये 5 बार में कट गया, गुना करते हैं ये 22 × 5 = 11, मतलब 11 ये हो गया, ये क्या कितना हो जाएगा 22 × 15 = 75 गुना क्या जाएगा 110, ठीक है गुना कर देंगे क्या जाएगा 11.55 इतना ग्राम हो गया, इसको किलोग्राम बदल देंगे तो यहाँ पॉइंट दे देंगे तो 11.55 kg हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया गया है, तो बोला क्या है रेडियस निकालना है किसका, सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब परिवृत्त का त्रिज्या बोल रहा है निकालने, तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है a/√3, तो a दिया गया है कितना 36/√3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12√3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरह क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में, देखे थे ना सेम क्वेश्चन ही है। ओके आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मतलब संख्या किसका निकालना है स्फीयर का गोला का, जो प्रत्येक का डायमीटर दिया गया है 6 सेंटीमीटर व्यास, तो जिसको बोला जा रहा है डेट कुड बी माउंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसको सिलेंडर के रूप में ढाल दिया जा रहा है, सिलेंडर से बनाया जा रहा है ना, इसका हाइट 90 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है हमें क्या निकालना है सॉलिड स्फीयर का वैल्यू, इस तरह क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जब नंबर निकालना रहता है नंबर बराबर हमारा क्या आ जाएगा जो हमें जिससे निकालना है जो दिया रहेगा क्या सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बटा क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो निकालना है उसको नीचे, जिससे निकालना है जिसको पिघला करके, पिघलाना जिसको है उसको ऊपर, बस कर लेंगे हमारा क्या है सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारा कितना दिया गया है 2 क्योंकि त्रिज्या 4 है सॉरी व्यास 4 है तो 2 हो जाएगा, एच हमारा कितना है 90 है। ठीक है फिर क्या हो जाएगा पाई स्फीयर, स्फीयर का क्या आता है वॉल्यूम 4/3 3 ऊपर चला जाएगा पाई आर क्यूब होता है, तो आर हमारा कितना दिया गया है 6 व्यास है तो आर कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 हो गया, आर क्यूब यही होगा ना, इसको हल कर देंगे पाई से पाई कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये 1 3 कट गया, ये 2 को इससे कट गया 9 से क्या बच गया 10 बच गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। जब भी संख्या निकालना रहेगा तो ध्यान देंगे जिसका निकालना है उसको नीचे रखेंगे, जिसको पिघलाना है उसको ऊपर रखेंगे, पिघलाना है पिघलाया जा रहा है किसको सिलेंडर को, तो सिलेंडर को ऊपर रखेंगे, पिघला करके जो बनाया जा रहा है नया चीज उसको नीचे रखेंगे जब भी संख्या अगर पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं द एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है, सर्कल का सेक्टर बोल रहा है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है सेक्टर का एरिया, एंगल दिया गया है तो बोला गया त्रिज्या निकाले, त्रिज्या निकल जाएगा ना आसान है, त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा थीटा / 360 मतलब 45 /
360 करेंगे पाई आर स्क्वायर, आर तो निकालना ही है, बराबर क्या हो जाएगा इतना का बराबर दिया गया है, सुगुना हम लोग निकाल लेंगे, ये दिया गया ना सेक्टर का एरिया, बस सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्या ये चार बार में कट जाएगा, 22 चक 88, ये कितना बार में कट जाएगा, ये आठ बार में कट जाएगा, सुगुना करके उधर ले जाएंगे, सुगुना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या जाएगा, चार गुना सात गुना आठ हो गया, तो आर बराबर क्या जाएगा, आर से एक से इसका निकालेंगे बाहर, ये निकला, इससे भी एक निकालेंगे, दो निकल गया, बच गया क्या यहाँ से सात बच गया, यहाँ दो बच गया, मतलब 14 रह गया, ये रह गया ना, इसका रूट करेंगे ना, आर बराबर हमारा क्या जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे हटाएंगे, इसका चार ये दो, यहाँ से निकलेगा एक दो, आठ को लिखते हैं ना टू रूट टू, दो रूट अंदर में रह गया, एक सात रह गया, तो ये हो गया हमारा चार रूट 14 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर दो है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इसी तरह क्वेश्चन सेम है जो भी हमने देखा, जो कि क्यूब से वहाँ क्या दिया गया था 2.8 दिया गया था क्यूब का, यहाँ क्या दिया गया 1.4 दिया गया, इसका हाफ कर देंगे 0.7 वो कर लेंगे खुद से निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज बोल रहा है 4 टाइम्स इट्स हाइट एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, ये भी हम लोग कल किए थे इसी तरह के क्वेश्चन पिछले क्लास में, क्या दिया ना त्रिज्या दिया गया है ना किसका, सर्कुलर सिलेंडर का बेलन का त्रिज्या बोल रहा है कि हाइट से चार गुना है ऊंचाई से, तो ऊंचाई दिया गया है कितना 14, एच बराबर 14 दिया गया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, चार गुना कर देंगे निकल गया त्रिज्या, तो बोला गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 56 का स्क्वायर करेंगे इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा 14 काट देंगे, कितना बार में कटेगा ये दो बार में कट गया, अब गुना करेंगे, गुना करेंगे देखा जाए सब पे देख रहे हैं यूनिट प्लेस डिफरेंट, यहाँ आठ है दो है चार है छः है, बस क्या करेंगे यूनिट प्लेस पर फोकस करेंगे, कितना जाएगा 6 दुनी 12 12 छक 72, मतलब दो दो दुनी चार हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा 3 हो गया, बस ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है ना द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 96, रेशियो दिया गया है 6 8 10 उसका भुजा का, तो बोला गया है कि पेरीमीटर निकाल लें, पेरीमीटर बराबर हमारा क्या आता है, हम जब भी निकालते हैं पेरीमीटर परिमाप तो भुजाओं का योग करते हैं, तो भुजाओं का योग करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 6 8 10 कितना जाएगा 24, रेशियो में 24 आएगा ना, अब देखेंगे ना डायरेक्ट ऑप्शन पर फोकस करेंगे 24 आया, अब देखा जाए कि 24 का मल्टीपल कौन कौन सा है, वही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमारा 24 का मल्टीपल होगा वही आंसर, 24 का मल्टीपल देखा जाए तो यही सिर्फ है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये 24 का मल्टीपल नहीं, 24 का गुणज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, हमारा आंसर सिर्फ कौन सा हो जाएगा ए नंबर, डायरेक्ट हम देख सकते हैं या तो हमारा बनाने का तरीका है, देखेंगे क्या हमारा भुजा दिया गया है 6 8 10, ये ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया ना, तो मतलब कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, ये 6 मानते 6x, हाइट हमारा क्या है मानते 8x, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, बराबर कितना दिया गया 96, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 8 3 24 6 96 हो गया, चार आ गया ना, तो x बराबर हमारा क्या जाएगा 2 आ गया था ना, इसको जोड़े थे कितना आया था 24 रेशियो आया था, तो x बराबर 2, तो 24x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 48, जो कि ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो बस यही था हमारा, डायरेक्ट भी इसको अप्रोच कर लेंगे, जैसे ही 24 आ गया तो मतलब 24 का मल्टीपल ही कोई ना कोई होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि द रेडियस दिया गया है किसका, फ्रस्टम का, फ्रस्टम मतलब बाल्टी हमारा जो होता है, किस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना, कहने का मतलब ये इस तरह का होता है, ठीक है, बोला गया है दोनों इंड का दिया गया है क्या रेडियस, मतलब इस तरह का दिया गया है कितना 3, इधर कितना दिया गया है 5, और ऊंचाई दिया गया है यहाँ से यहाँ का 7, तो बोला गया है क्या वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है ध्यान देंगे, वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई इंटू एच इंटू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस क्या होता है आर इंटू आर, ये होता है क्या इसका वॉल्यूम होता है, बस इसी पर पुट कर देंगे हमारा क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 22/7 लेना है 22/7 एच हमारा कितना दिया गया है 7, अब ध्यान देंगे आर स्क्वायर बोल रहा है मान लो बड़ा वाले का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, छोटे वाले का करना है 3 का 9,
प्लस क्या करेंगे, दोनों को गुना करते हैं आपस में, तो पाँच गुना तीन करेंगे मतलब पंद्रह, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे क्या जाएगा, पच्चीस पंद्रह चालीस और उनचास हो गया, सात से सात तो कट गया, एक बटा तीन मतलब ये बाईस बटा तीन ये कितना हो गया, उनचास हो गया ना सबको जोड़ने पर। अब गुना कर देंगे, बाईस नवा आठ हो गया, उन्नीस रह गया, बाईस अट्ठी सॉरी बाईस चौक अट्ठासी, अट्ठासी और उन्नीस, अट्ठासी बीस एक सौ आठ, एक सौ सात बटा क्या जाएगा तीन, सो काटेंगे कितना बार में तीन तिहाई नौ, एक बचा इधर चला गया कितना पंद्रह, दो इधर चला गया नौ, मतलब 159 आएगा लगभग 159.3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दो है। ये भी देखेंगे, ये भी हमारा क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है, साइड दिया गया है, रिपीट क्वेश्चन है, एरिया निकालने बोल रहा है, निकल जाएगा। ओके आगे देख रहे हैं, तो आज का हमारा ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे फिर यहीं पे क्या करेंगे सेशन को खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एरिया फ्लोर दिया गया, किस तरह के फ्लोर है, रूम है, क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल रूम मतलब हमारा घनाकार का रूम है दिया गया है, उसका एरिया नीचे का फ्लोर का, ठीक है फ्लोर है, जिसमें बोला जाएगा सबसे लंबी रोड लगाना हमें। ओके जैसे ध्यान देते मेरा क्यूब है ना, यहाँ समझाते थोड़ा सा, ये क्यूब इस तरह का होगा, अरे बार बार क्या हो रहा है, ये हमारा क्यूब हो गया, इस ढंग का होता है ना, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है ना कि सबसे बड़ी हमें क्या लगाना है, रॉड लगाना है, तो रॉड लगाएंगे। अब सिर्फ फर्श का दिया गया, मतलब ये हमारा फर्श है, फ्लोर है, ये हमारा दिया, इसका एरिया दिया गया नीचे वाले का, ठीक है। अब जब भी हम लोग लगाएंगे ना सबसे बड़ी रॉड, तो क्या होता है ना इसके डायगोनल के बराबर होता है, इसका डायगोनल क्या होगा ना, इस कोने से क्या होगा, इस कोना लेंगे, इस कोने से इस कोना, मतलब यहाँ से यहाँ, तो इसका डायगोनल बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, अंडर रूट ऑफ थ्री ए होता है, ठीक है। इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, हम ए पता करना पड़ेगा भुजा, तो भुजा हम लोग कैसे पता करेंगे, ए हमारा क्या होता है, भुजा के बराबर होता है, ठीक है। तो भुजा हम लोग कैसे पता करेंगे, हमारा क्या देगा, फ्लोर का दिया गया है क्या, एरिया, तो फ्लोर हमारा किस तरह का है, हमारा स्क्वायर शेप का है, ठीक है, स्क्वायर शेप का, तो स्क्वायर शेप का दिया गया है कितना, चौंसठ, मतलब ए कितना हो गया आठ, लिखा जाएगा आठ रूट थ्री जो कि ऑप्शन नंबर चार है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा सारा मेंसुरेशन का लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको सेशन, आप लोग बताइए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।